मोदी सरनेम बदनक्ष केस में गुजरात हाईकोर्टे सूरत कोर्ट ना चुकादा ने यथावत राख्यो छे, जेना कारणे राहुल गांधी ना बदनक्ष केस में बे वर्ष की कैद की सजा यथावत रही छे। गुजरात हाईकोर्टे राहुल गांधी ने सलाह आपीने कहू छे कि 10 केस पेन्डिंग छे। गुजरात हाईकोर्टे शुक्रवार मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की बे वर्ष की कैद की सजा पर रोक लगावानो इनकार कर्यो छे। जस्टिस हेमंत प्रचके कहू छे कि राहुल गांधी सामे ओछा में ओछा 10 क्रिमिनल केस पेन्डिंग छे। आ केस सिवाय तेमनी विरुद्ध केटलाक वधु केस फाइल छे। एक तो वीर सावरकरना पौत्रे दाखल कर्यो छे। कोईपण संजोगों में सजा पर रोक नहीं लगावी अन्याय नहीं। आ केस में सजा न्यायोचित अने योग्य छे। राहुल गांधी एवा आधार थी सजा पर रोक की मांगनी करी रहा छे जेनो कोई अस्तित्व नहीं। सूरत कोर्ट ना चुकादा में हस्तक्षेप की जरूर नहीं। अर्जी नामंजूर कराई छे। तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन उन्होंने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके का बयान देने का, तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए, उनको सोचना है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा यह है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा यह है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी हैड, जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिविजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था, दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई, उनको ना नहीं बोला, एंड कोर्ट हैज कंसीडर एट दिस स्टेज। कांग्रेस प्रमाणे राहुल गांधी आ मामला में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करशे। सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मळवानी स्थिति में राहुल गांधी 2024 ने लोकसभा की चूंटणी लड़ी नहीं सके, अने न तो तेमनी संसद नु सदस्यता नु सस्पेंशन रद्द थशे। आ पछीनो स्टेज छे એ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ હોય, અમારી લીગલ ટીમ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આ મેટર લઈને જશે। કર્ણાટકામાં બોલાયેલી વસ્તુ એ સુરતમાં એનો કેસ ના થઈ શકે, ને કરવો હોય તો કાયદાથી જે પ્રોસિજર હોય એ ફોલો કરવી જોઈએ, એ નહોતી થઈ। મૌલિક અધિકાર નેતાઓનો બોલવાનો છે, યુએન કન્વેન્શનમાં પણ એ નક્કી થયું છે કે નેતાની એ જવાબદારી પણ હોય છે કે જે કઈ ચાલતું હોય એ લોકો સુધી વાત પહોંચાડે। લલિત મોદી, નીરવ મોદી એ દેશને લૂંટીને ગયા હોય અને એની વાત કરવી એ કોઈ ગુનો ના બને। 2019 લોકસભા ચૂંટણી પહેલા 13 એપ્રિલે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરનેમ પર કોમેન્ટ કરી હતી। ગુજરાત ભાજપના ધારાસભ્ય પુનેશ મોદી તરફથી 2019 દાખલ કરાયેલા કેસમાં સુરતની કોર્ટે આ વર્ષે 23 માર્ચે રાહુલ ગાંધીને આઈપીસીની કલમ 499 અને 500 હેઠળ ફોજદારી બદનક્ષી મામલામાં 2 વર્ષની કેદની સજા આપી હતી। તેના પછી 24 માર્ચે રાહુલ ગાંધીની લોકસભા સદસ્યતા રદ કરવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી।